बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही कुकिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे सिरके और सब्ज़ी का अचार, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। एक कप आप पानी ले लीजिए, उसी कप से आप हाफ कप सिरका ले लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर डाल लीजिए आप। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक। जितना आप एक कप वाटर लेंगे तो 1/2 कप सिरका लीजिए, अगर 2 कप पानी ले रहे हैं तो 1 कप सिरका लीजिए। आपके जितने सब्जियां उस हिसाब से आप डालिए। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 टीस्पून राई डाल लीजिए आप, ऑरिगेनो डाल लीजिए, आपके पास है तो डालिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ सिरका और पानी और शक्कर डालना ज़रूरी है इसमें। शक्कर डालेंगे तो आपका अचार जो है बहुत दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा शक्कर डालने से, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसे हम पकने रखेंगे, एक बॉयल आने तक पकाइए आप। शक्कर और थोड़ा सा नमक डालिए। अब ये देखिए पकने आ गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब एक साइड हम सब्जियां ले लेंगे, जो आपके पास सब्ज़ी है ले लीजिए आप। हम खीरा लिए हैं, गाजर लिए हैं और हरी मिर्च भी लिए हैं। आप चाहे तो मूली, चुकंदर, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं। हम सिर्फ 2 सब्जियां ही डाल रहे हैं, गाजर और खीरा और हरी मिर्च डाल लीजिए आप। और बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, आप लोग ज़रूर बनाइए और बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी इसमें डाल लीजिए, लहसुन भी डालिए। इसे 24 आवर्स के बाद आप यूज़ कर सकते। आज आप डाल के रख देंगे तो कल आप इंशाल्लाह इसे खाया सकते, जब तक इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा सब्जियों में। और पानी को हम जो बॉयल कर लिए हैं सिरके का पानी, उसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे, नॉर्मल होने के बाद डालिए आप, ज़्यादा गरम गरम मत डालिए। और अच्छा डालिए आप, ये पूरे सब्जियां इसमें अच्छे से डिप हो जाए, इतना डालिए आप। बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इंशाल्लाह। और मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से एयर टाइट जार में आप रख लीजिए और कांच के बर्तन में रखिए आप, और ये अच्छे से इसे वॉश करके ड्राई करके डालिए आप। आप इसे फ्रिज में रख लीजिए, 24 आवर्स के बाद आप इसे चेक करिए, खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और ड्राई चम्मच यूज़ करिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।